आदर्श आचार संहिता में पुलिस लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील है और जनता को भयमुक्त माहौल में मतदान का अलग जगा रही है, पर कुछ पुलिसकर्मी भयमुक्त माहौल को पनपने में सहयोग दे रहे हैं। ताजा मामला वाराणसी ग्रामीण पुलिस के सिंधौरा थाने के गढ़खरा क्षेत्र का है, जहां चाय की दुकान चलाने वाले प्रमोद कुमार सिंह का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने रविवार की शाम दुकान पर उनकी गैर मौजूदगी में उनके यहां काम करने वाले लड़के से पहले समोसा मांगा, देर हुई तो उसे दुकान पर ही मारा पीटा और पैसे की डिमांड भी की। इस संबंध में एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। फिलहाल पीड़ित ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर और एडीजी जोन से की है। क्या नाम है बाबू? सचिन पाल। क्या घटना रही है? घटना यही है कि गाड़ी लेकर आए लोग, जैसों की गाड़ी आ रही थी, आए कि खड़ा होके तुरंत बुलाए गाली देकर, हम पास में गाड़ी के पास गए, उसके बाद बुला के फिर गाली दे के फिर बोले कि नाश्ता लेकर आ, हम बोले कि समोसा गर्म निकाल रहा हूँ तो दे रहा हूँ, बस थोड़ा से देर होने के नाते आके मारने लगे, मार के बोल रहे थे कि 5,000 रुपया लेकर आओ नहीं तो जान से मार देंगे, बहुत मारने मारते मारते फिर एक सिपाही आया उसको पकड़ा, पकड़ के बोला कि चल इधर, तो बोला कि पिस्टल निकाल के भी ठोक देंगे, पीछे हाथ भी करके पिस्टल निकालने जा रहा था, सिपाही नहीं आता तो भी पिस्टल चला देता मेरे ऊपर। कहाँ की पुलिस थी? थान सिंधौरा की। किसी को पहचानते हैं? हाँ जी पहचानते हैं। क्या नाम था? आनंद सिंह थे, एक सिपाही उसका नाम नहीं ध्यान दिए, जो मार रहा था उसका नाम। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सिंह। क्या घटना रही है प्रमोद जी, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपका नाम? मैं ग्राम सभा गढ़खरा का निवासी हूँ, वहीं पे चाय और समोसे की दुकान करके अपना जीविकोपार्जन करता हूँ। पुलिस वाले आए दिन फ्री में खाते पीते भी हैं और उन्हें हफ्ता भी चाहिए होता है। इसी क्रम में कल रात को 5:31 पे वो लोग आए, उस समय मैं दुकान पर मौजूद नहीं था, सिंधौरा थाने की, उस समय मैं दुकान पर मौजूद नहीं था। हमारे इस बच्चे को बुला के पुलिस वालों ने इनसे मांगा नाश्ता, समोसा वमोसा मांगा, थोड़ा सा देर हुई तो इन्होंने पुलिस वालों ने इसे बहुत मारा और उन्हें हमारे यहाँ से हमेशा पैसा चाहिए होता है, हम नहीं दे पाते, हमारी उतनी कमाई ही नहीं है और देना उचित भी नहीं है। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? इसकी शिकायत हमने IGRS पे की है और इसकी शिकायत हमने ADG को व्हाट्सएप पे भेजा है, रात में SPRA को भेजा है, उनके व्हाट्सएप पे वीडियो और शिकायत भेजी है और मौखिक रूप से हमने कई जगह कहा है, सिंधौरा थाने पे मारे डर के नहीं जाते क्योंकि वहाँ की पुलिस हमसे बहुत रंज रहती है और जाने पे अनायास बंद करके मारती पीटती है, इस डर से वहाँ नहीं जाते। आला अधिकारियों की तरफ से कोई रिप्लाई आया? नहीं, कोई नहीं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।